संपन्नता को आगे बढ़ाते हुए आपके परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हुए जीवन भर आपके साथ रहती है और शिक्षा ही एक ऐसा आपका सबसे अभिन्न अंग बन जाती है जीवन में, जो आपको समाज में, आपके व्यवसायिक स्तर पर और आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में और हर क्षेत्र में आपको समाज के सामने खड़ा होकर अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका भी देती है। आज आप सबके हाथ में कलम है, आप सब स्कूल जाते हैं, सभी स्कूल जाते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो स्कूल नहीं जा रहा है। आप सबके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो पढ़ने के लिए जब वो आपको भेज रहे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी लाइफ में पढ़ना होनी चाहिए। इस एज में आपकी पहले ही प्राथमिकता ही पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए आप अपने टीचर्स के अलावा ट्यूशन भी लेते होंगे, आप अपने पेरेंट्स का भी समय लेते होंगे जो आपको होमवर्क कराते हैं। अधिकतर माओ का समय होमवर्क कराने में और बच्चे को शिक्षा देने में ही जाता है। लेकिन आप सबको मैं एक और मूल मंत्र देना चाहता हूँ। अभी अभी एग्जाम हुए, सबके रिजल्ट आ गए, हमने भी एग्जाम दिए। मार्च और सितंबर ऐसे लगता था जैसे भगवान करे कैलेंडर में से ये दो महीने गायब हो जाए, तो आप सबको ऐसे ही लगता था, हम सब आपकी एज से गुजरे हैं। मैं आईटी ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियर हूँ पेशे से और एमबीए किया है और डीयू से एमबीए की डिग्री है। डीयू में अध्यक्ष रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट इलेक्शन होता है वो इंडिया में होता है और दिल्ली में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसका मैं अध्यक्ष रहा। उसके बाद विभिन्न जिम्मेदारियां मिली हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, और जहाँ भी हमारे भाई विकास जी जैसे सब हमें बुलाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम सबसे जुड़कर काम करें। अभी हम सब यहाँ एक परिवार के रूप में बैठे, आप लोग पूरा पूरा दिन पढ़ते होंगे, टीवी भी चला दिया, फोन भी हाथ में ले लिया। मैं सर की बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पूर्णतः इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि फोन आवश्यक नहीं है या गूगल की आवश्यकता नहीं है। आज के युग में आईटी का युग है और आपको जितनी जानकारियां शायद किताब में या आपके आसपास नहीं मिल पाती है वो आप आज गूगल में या फोन के माध्यम से ले लेते हैं। अधिकतर स्कूलों का तो सिलेबस और होमवर्क भी फोन पर उपलब्ध है, आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे आईडी है, आपको होमवर्क आजकल मिलता है, तो ये सुविधाएं सब देते हैं। ट्यूशन सेंटर्स ने भी शुरू कर दिया, विकास जी ने भी मुझे बताया उस दिन से, उनकी भी व्यवस्था में ये पक्ष है। तो जब आपके पास इतने आयाम हैं तो आपको करना क्या है? आपको फोकस के साथ पढ़ना है, पढ़ना नहीं है खाली, फोकस के साथ पढ़ना है। जो भी काम करना है दिन में वो फोकस के साथ करना है। अगर स्कूल से आके पढ़ना है तो आप कैलेंडर अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे एक घंटा ही पढ़ना है, मेरे को नहीं सर में दर्द होता है या कुछ भी है नहीं, ट्यूशन में भी जाकर खाली होमवर्क कर आगे नहीं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी सीखा है। आप एक घंटा पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जो आपका मन करता है। आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सिविक्स भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है और भी सब्जेक्ट होंगे, लेकिन आपको बारी बारी ही उसको आप दिन में 24 घंटे को अपना डिवाइड कर देखिएगा तो आपका दिन में कितने घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बचते हैं। आपको खुद एक सब्जेक्ट लेकर एक दिन में उसको पढ़िए बिना किसी की सहायता से, आप देखिएगा कि जब अगली बार स्कूल में या अगली बार आपकी ट्यूशन टीचर या आपके पेरेंट्स जब आपसे उसके बारे में पूछेंगे तो आपको वो खुद से ध्यान देगा, क्योंकि आपने उसको खुद अपने मन से पढ़ा है कि मुझे आज एक चैप्टर खुद पढ़ना। और ये मैं आप क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब छुट्टियों का समय, छुट्टियों में एंजॉय भी करना है, हॉलीडे होमवर्क भी करना है और पढ़ना भी है, तो आपको कुछ चैप्टर्स अपने और किताब में पढ़ने चाहिए ताकि जब आपसे स्कूल में जब उनकी रिवीजन हो या पूछा जाए या जब मैडम आपका वो टॉपिक ले तो आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड। इसको क्या कहते हैं? फोकस स्टडी विथ प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन। आप कहीं ना कहीं इन छुट्टियों में हॉलीडे होमवर्क कर जो आपकी एक्सरसाइजेस मिली उनको पूरा कर साथ के साथ अपने स्कूल और सिलेबस से भी आगे निकल सकते हैं। वो आपको लेकिन करना खुद ही होगा।
आपकी मम्मा की डांट से या ट्यूशन टीचर की डांट से वो सब मुमकिन नहीं होने वाला। और फिर आप देखिएगा उसके साथ साथ आप खेलने का भी समय निकाल पाएंगे, उसके साथ साथ आप टीवी भी देख पाएंगे, उसके साथ साथ आप मोबाइल पे गाने कार्टून देखना अच्छा लगता है, लेकिन साथ के साथ आप कुछ टॉपिक्स भी अपने अपने बुक का कोई टॉपिक ना कभी गूगल पे डालिएगा, फॉर एग्जाम्पल अपना कोई लाइट का चैप्टर डालिए, आपको उसके और इनोवेटिव चीजें मिलेंगी कि लाइट का चैप्टर एक डिजिटली कोई रोबोट या कोई पेन उस पे चल रहा है स्क्रीन पे और वो आपके सामने पूरा चैप्टर बना रहा है, जैसे मैडम तो बोलती है आपके सामने आप बुक पे पेज पलटते हैं तो वो आपको पूरा बना रहा है, दो तीन साइड्स मेरे ध्यान में भी है ना सर तो लिखवा दूंगा, वो आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। और क्योंकि आप सबके बीच बैठे हैं, मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरे को ठीक लगा कि मैं आपके साथ इसी तरह की चर्चा आज कर पाऊँ। और आप पेरेंट्स भी गूगल पे डालें, ये सब कुछ .com है, बायजूस है, ऐसे करके बहुत सारे इनोवेटिव लर्निंग प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिनमें कि आप बच्चे को खाली समय में टीवी पर उसको लॉग इन करके दिखा सकते हैं, तो बच्चे को वो चैप्टर भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपने आप को खाली समय में ट्रेन करेंगे, फोकस अपना बनाकर रखेंगे, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा। जब आप रनिंग करने जाएंगे मैदान में, जब कंपटीशन में जाएंगे, चाहे वो लिखने का हो, चाहे दौड़ने का हो, चाहे अभी रवि सर हमारे बीच बैठे हैं सिंगिंग का हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, डांसिंग का हो, जिसका रियाज ज्यादा होगा उसके सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। और वो बच्चा जो रियाज करेगा वो मौज करेगा, वो राज करेगा, बहुत बढ़िया। तो सर का भी यही कहना है जो रियाज करेगा ज्यादा वो भी राज करेगा ज्यादा। तो आप लोग भी शिक्षा को अपना बहुत बड़ा एक मित्र और बहुत बड़ा एक प्यार माने। साथ के साथ जो बच्चा खेल में जाना चाहता है वो खेले, जो बच्चा म्यूजिक में जाना चाहता है आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी है, म्यूजिक में जाए। क्योंकि पेरेंट्स से भी मैं एक ही बात कहूंगा और आपसे भी बच्चों एक ही बात कहूंगा, ये जरूरी नहीं है अगर एक टेस्ट में फेल हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन आप अपने हुनर को पहचान लें। आप हो सकता है म्यूजिक में बहुत अच्छे हो, आप हो सकता है डिबेट में बहुत अच्छे हो। मैं कई बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ और इस क्षेत्र में जब भी आता हूँ कई बच्चों के चेहरे रूबरू हो जाते हैं, जैसे ये बिटिया बैठ के मुझे लगता है पहले मिले हैं, तो एक भाई पीछे बैठे हैं मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तो क्या हो जाता है कि एक परस्पर रिश्ता बन जाता है आपसे। और रवि सर से मेरी बात हुई, विकास सर से मेरी बात हुई, हमें अच्छा लगा कि ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, अभी कल ही रिजल्ट आया है 12th का, तो बहुत सारे लोग परेशान थे, मुझे सुबह से फोन कर रहे थे सर कैसे एडमिशन होगा, कैसे चल रहा है, क्या है। तो अभी हमने उनको कहा आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, और विकास सर से भी बात हुई और बहुत खुशी की बात है कि विकास सर ने हमें ये आदेश दिया है कि एक या दो दिन का समय हम यहाँ पर आपसे रूबरू होंगे, और जो भी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन से संबंधित दिक्कत है उनके लिए हम यहाँ पर बैठ के उनको एडमिशन की हेल्प करेंगे। तो इसके लिए भी विकास सर को जोरदार तालियां, क्योंकि वही बधाई के पात्र हैं। आप सबसे अनुरोध है कि विकास सर का कैंप लगाने से या हमें बुलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक कि आप या आपके घर में जो आपके बड़े भाई बहन या आपके बच्चे या आपके रिलेटिव्स के कोई बच्चे, आपके पड़ोसियों के कोई बच्चे, ऐसे जो 12वीं पास कर आए हैं, जब भी विकास सर आपको वो समय बताएंगे आप कोशिश करके उन बच्चों को विकास सर के रिजल्ट पर भेजिए, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ और सहायता मिल सके और बच्चे अपना कॉलेज में एडमिशन लेने में मुकम्मल हो जाए। और विकास सर से हमारा भी अनुरोध है कि मैं जनकपुरी रहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा था कि जो बच्चे यहाँ से आए आज इस कार्यक्रम में, उन सबके लिए एक बड़ा आयोजन बहुत जल्द किया जाए और हमारा पूरा पूरा सहयोग रहेगा। हमारी आपसे मांग है कि ऐसा एक राग रंगकला केंद्र, एक कार्यक्रम, राइटिंग, डिबेट, म्यूजिक, डांसिंग का कॉम्बिनेशन जो आपने बताया मुझे विकास सर ने, ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए हमारी संस्था है, चौपाल संस्था है, चौपाल क्लब,
और हम पूरी टीम आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो आप सब उस कार्यक्रम को दीजिए, इन बच्चों को खुलने दीजिए, इन बच्चों को आसमान में उड़ने दीजिए, और इनको कंपटीशन के लिए जो आप तैयार करा रहे हैं, इनको एक बड़े कंपटीशन का मंच भी प्रदान करें, जिससे कि ये लोग आगे जाकर अपनी अपनी सोच अनुसार, अपनी अपनी प्रतिभा अनुसार अपने आप को निखार सके। आप सबको उन्हें एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब विनर हैं हमारी नजर में। आप सब बहुत सारे सारे बच्चे जो यहाँ सुबह से मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए, और सक्सेस जितना आपको मिलेगा इन सबके आशीर्वाद से मिलेगा। बहुत आगे बढ़े आप सबको, पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और समस्त टीम को इस सुंदर आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें यहाँ बुलाया, मान दिया, और आप सबके बीच गुरु होने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपने हमारे अभिभावकों को बहुत अच्छी बातें बताई, मार्गदर्शन किया, और मैं आपका आभारी रहूंगा और आशा करूंगा कि भविष्य में जब भी कार्यक्रम होगा हम आयोजन करेंगे तो आप यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं विकास सर को एक बार उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और भविष्य में भी ये करते रहेंगे। बहुत ही मैं उन्हें तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सभी यहाँ पर हैं, विकास बहुत अच्छा लड़का है, मेरा स्टूडेंट रहा है, बहुत आज्ञाकारी रहा है, और इसने अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए करने का जो जुनून है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। ये आप सबके बीच में रह करके आप सबके लिए सोचता है, ऐसा बच्चा बहुत कम मिलते हैं जो अपने साथ साथ बाकी समाज परिवार सबके बारे में सोचते हैं। तो मैं विकास को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर तस्वीर रखी और कार्यक्रम को सफल बनाया, और आगे भी आप अपने साथ साथ अपने पड़ोस पड़ोस के जितने भी अभिभावक और बच्चे हैं उनको भी इस तरह के कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।